हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक्सेल में पायो टेबल। अगर आप एक एक्सेल यूजर है तो आपको एक्सेल में पायो टेबल आना चाहिए। पायो टेबल मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट यूजफुल टूल है एक्सेल का। अगर आपको पायो टेबल आता है तो आप कंप्यूटर से रिलेटेड जॉब कर सकते हैं। पायो टेबल जो टूल है एक्सेल का मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल है, जिससे आप अपने डेटा को फिल्टर करते हैं और प्रॉपर तरीके से मैनेज करते हैं अपने डेटा को। तो आज की इस वीडियो में हम आसान तरीके से और डिटेल में सीखने वाले हैं पायो टेबल। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो को अंत तक जरूर देखना। आज की वीडियो हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। एक्सेल शीट में हमने एक डेटा ले रखे हैं। अगर आपका डेटा स्मॉल है या फिर लार्ज है तो आप क्या करेंगे, आपको पायो टेबल अप्लाई करना है तो आप अपने डेटा में कहीं पर भी क्लिक कर देंगे और क्लिक करने के बाद आपको जाना है इंसर्ट टैब में। और इंसर्ट टैब में जाने के बाद यहाँ पर आपको फर्स्ट में जाना है पायो टेबल। फर्स्ट ऑप्शन आपको पायो टेबल ही मिलता है, इसमें आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे पूरी टेबल की रेंज सिलेक्ट हो जाएगी। आपका डेटा कितना भी बड़ा है या फिर कितना भी छोटा है, फिर भी ये रेंज को सिलेक्ट कर लेगा। तो यहाँ पर आपका सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा, सिलेक्ट और टेबल और रेंज करके, जिसमें आपकी टेबल की रेंज होगी। अगर सिलेक्ट नहीं है तो यहाँ पर आप क्लिक करके फिर से अपनी रेंज को सिलेक्ट कर सकते हैं। सेकेंड चीज का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको न्यू वर्कशीट या फिर एग्जिस्टिंग वर्कशीट में से एक सिलेक्ट करना है। न्यू वर्कशीट का मतलब ये है, अभी यहाँ पर शीट वन ओपन है। अगर आपको शीट टू में डेटा अपना फिल्टर करना है या मैनेज करना है, पायो टेबल दूसरी शीट में लेनी है, तो यहाँ पर आप न्यू शीट को सिलेक्ट करेंगे, न्यू वर्कशीट को। और अगर आपको इसी शीट में अपने डेटा को फिल्टर या मैनेज करना है, पायो टेबल इसी में अप्लाई करनी है, तो यहाँ पर आप एग्जिस्टिंग वर्कशीट सिलेक्ट करेंगे। एग्जिस्टिंग वर्कशीट में हमारा डेटा मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए हम न्यू वर्कशीट यहाँ पर ले लेंगे और यहाँ से कर देंगे ओके। तो जैसे हम ओके करते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे टू बिल्ट और रिपोर्ट, यहाँ पर फील्ड लिस्ट हमें देखने को मिल जाएगा पायो टेबल का। और यहाँ पर राइट साइड को हमें मिल जाएगा पायो टेबल फील्ड्स। पायो टेबल फील्ड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आप यहाँ पर आप देखेंगे, जैसे इसमें हम क्लिक करते हैं तो हम इसे अपने किसी भी साइट या फिर अपने सीट में कहीं पर भी इसे रख सकते हैं, ठीक है, पायो टेबल फील्ड। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसमें हमें बहुत सारे हेडिंग्स हमें देखने को मिल जाएंगी। जैसे कि आप देखेंगे एम्प्लॉय आईडी, जो भी हमारा डेटा होगा यहाँ पर आप नोट डाउन कीजिए, डेटा में जो हमारी हेडिंग होगी एम्प्लॉय आईडी डेट सेल्समैन, वो यहाँ पर हमें सारी हेडिंग देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पर हमें फोर सेक्शन देखने को मिलेंगे। फर्स्ट सेक्शन होगा हमारा फिल्टर्स, सेकेंड होगा कॉलम्स, थर्ड होगा यहाँ पर रोज, और फोर्थ होगा यहाँ पर वैल्यूज। अब हमें इन सेक्शनों में अपना डेटा कैसे रखना है और कैसे मैनेज करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर आप नोट डाउन कीजिए, जो भी सेपरेटर के हिसाब से नंबर आएंगे, जैसे कि अमाउंट आएगा तो वो वैल्यू में आ जाएगा, अदर जो आपको फिल्टर करना है वो आप फिल्टर में रखेंगे, जो यहाँ पर आप देखेंगे अपने डेटा में कॉलम में है उसे आप यहाँ पर कॉलम में रख सकते हैं, अदरवाइज आप रो में रखेंगे। तो यहाँ पर आपको मैं पहले बता देता हूँ कि हम अपने डेटा को इसमें कैसे रखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर ले लेंगे सेल्स को, सेल्स को हम वैल्यू में रख लेंगे, और यहाँ पर हम और डिपार्टमेंट को यहाँ से ड्रैग करेंगे, यहाँ से पकड़ेंगे और यहाँ पर कर देंगे रो में। तो जैसे हम ये करते हैं, मैं इसे कर लेता हूँ जूम इन, तो यहाँ पर आप नोट डाउन कीजिए मैक्स की हमें सेल कुछ इस टाइप की देखने को मिल जाएगी, क्योंकि हमारे पास तीन ही यहाँ पर डिपार्टमेंट है, एक बैग्स का है, एक इलेक्ट्रॉनिक का है, एक गारमेंट्स का है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे बैग्स की जो सेल है हमें देखने को मिल जाएगी। अगर मान लीजिए कि आपके बॉस ने बोला है कि हमें बैग्स की सेल दिखाओ, तो यहाँ पर आप कुछ इस टाइप से बैग्स की सेल दिखा सकते हैं, ठीक है। अगर आप इस वैल्यू में डबल क्लिक करते हैं, ठीक है, जैसे कि समा वैल्यू में बैग्स की सेल में डबल क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आप नोट डाउन कीजिए बैग्स का आपको पूरा डेटा देखने को मिल जाएगा, ठीक है। एम्प्लॉय आईडी भी, सेल्समैन भी, प्रोडक्ट भी और क्वांटिटी भी, डिपार्टमेंट भी, कुछ इस टाइप से अपने डेटा को आप क्लासिफाई कर सकते हैं। सेकेंडली यहाँ पर आप नोट डाउन कीजिए, जैसे आपको इलेक्ट्रॉनिक का दिखाना है, ठीक है, टोटल सेल दिखानी है, किसने कितनी सेल की है, एम्प्लॉय नेम, या फिर आपको क्वांटिटी या फिर प्रोडक्ट आपको देखना है, ठीक है। तो आप इसमें डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देखेंगे, ठीक है, इसे मैं जूम इन कर लेता हूँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे कुछ इस टाइप का हमें डेटा देखने को मिल जाएगा इलेक्ट्रॉनिक का, जिसमें कंप्यूटर, मॉनिटर, कंप्यूटर, लैपटॉप्स, स्पीकर और कीबोर्ड, हेडफोन, ये सारे डेटा हमें देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, प्रोडक्ट। और यहाँ पर आप देखेंगे एम्प्लॉय आईडी, किस किस एम्प्लॉय की क्या क्या आईडी है वो हमें देखने को मिल जाएगी, स्टेट भी देखने को मिल जाएंगे और सेल्स भी। कुछ इस टाइप से हमारा डेटा क्लासिफाई हो जाएगा। अगर हमें गारमेंट्स का करना है तो इसमें भी हम डबल क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर हमें गारमेंट्स का भी डेटा देखने को मिल जाएगा। तो कुछ इस टाइप से अगर हमें यहाँ पर सेल दिखानी है, ठीक है,
अगर मान लीजिए कि हमें एक सेल दिखानी है, तो इस टाइप से हम प्रॉपर तरीके से मैनेज कर सकते हैं अपने डेटा को। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर हमें एम्प्लॉय के नेम भी दिखाने हैं कि किस एम्प्लॉय ने कितनी सेल कर रखी है, कौन से डिपार्टमेंट में कर रखी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर से डिपार्टमेंट को उठाएंगे और यहाँ पर हम फिल्टर में रख देंगे, ठीक है। या तो हम ये करेंगे या तो हम यहाँ पर जाएंगे डिपार्टमेंट को अनक्लिक कर देंगे, ठीक है, अनचेक कर देंगे। लेकिन हम अनचेक नहीं करेंगे, यहाँ पर हम फिर से क्लिक करेंगे और डिपार्टमेंट को उठा देंगे, फिल्टर में रख देंगे, और यहाँ पर हम सेल्समैन को सिलेक्ट करेंगे तो सेल्समैन यहाँ पर रो में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए कुछ हमारा इस टाइप से डेटा मैनेज होगा। यहाँ पर आप देखेंगे डिपार्टमेंट हमें देखने को मिल जाएंगे और सभी इंप्लॉय देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पर आप नोट डाउन कीजिए, जैसे डिपार्टमेंट में हटा देता हूँ, ठीक है, ऑल को हटा के मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर देता हूँ केवल बैक को सिलेक्ट कर देता हूँ और कर देता हूँ यहाँ पर ओके। तो जैसे मैं ओके करूंगा तो यहाँ पर केवल दो ही इंप्लॉय हमें देखने को मिलेंगे, राहुल और तानिया, ठीक है। इनकी सेल इतनी है, ग्रांड टोटल इनका इतना है, ठीक है। अगर मुझे बैग की नहीं और मुझे इलेक्ट्रॉनिक की देखनी है, मैं इलेक्ट्रॉनिक को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से कर दूंगा ओके। इतने एम्प्लॉय ने इतनी सेल कर रखी है। आपको डेटा स्टेट वाइज करना है तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप डिपार्टमेंट को अनचेक कर देंगे, ठीक है, डिपार्टमेंट को हटा देंगे और यहाँ पर हम सिलेक्ट कर देंगे स्टेट को, ठीक है, यहाँ पर से स्टेट उठा देंगे और फिल्टर में डाल देंगे। तो यहाँ पर आप नोट डाउन कीजिए, यहाँ पर हम सिलेक्ट करते हैं दिल्ली, ठीक है, स्टेट पर आप नोट डाउन कीजिए, यहाँ पर हमें दिल्ली की सेल देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप नोट डाउन कीजिए कि यहाँ पर हमें दिल्ली की सेल देखने को मिल जाएंगी, एम्प्लॉय के नेम भी और इनकी सेल, और यहाँ पर ग्रांड टोटल भी हमें देखने को मिल जाएगा। मान लीजिए कि हमें चेन्नई की देखनी है तो चेन्नई को सिलेक्ट करेंगे, ओके कर देंगे, यहाँ पर हमें चेन्नई की सेल देखने को मिल जाएगी। अगर मान लीजिए कि हरियाणा की देखनी है, हरियाणा को सिलेक्ट कर देंगे, ओके कर देंगे। तो जैसे हम ओके करते हैं तो यहाँ पर आप नोट डाउन कीजिए, देखने को मिल जाएगी, ग्रांड टोटल भी हमें देखने को मिल जाएगा। अगर हमें सभी स्टेट की चेक करनी है तो यहाँ ऑल कर देंगे, ओके करेंगे, तो यहाँ पर ऑल स्टेट की सेल हमें देखने को मिल जाएंगी, यहाँ पर सभी इंप्लॉय भी हमें देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे पायो टेबल फील्ड है, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं इस शीट में यहाँ पर क्लिक करता हूँ, ठीक है, खाली स्पेस में, तो यहाँ पर आप देखेंगे पायो टेबल फील्ड हट जाएगा, ठीक है, इसमें जैसे क्लिक करूंगा ये फिर से आ जाएगा। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ से इसे क्लोज कर दिया है तो फिर से मैं इसे कैसे लाऊंगा, ठीक है, मैं इसमें क्लिक करूंगा, तो मैं इसमें क्लिक करूंगा तो यहाँ पर वो पायो टेबल फील्ड नहीं आएगा। तो इसके लिए हमें इसे लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हमें एनालाइज में जाना पड़ेगा और यहाँ पर हमें एक ऑप्शन देखने को मिलता है फील्ड लिस्ट, इसमें हमें क्लिक कर देना है। तो जैसे हम इसमें क्लिक करते हैं, यहाँ पर आप नोट डाउन कीजिए पायो टेबल फील्ड हमें देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज आप नोट डाउन कीजिए, अगर ये डेटा हमने लिया है, ठीक है, या तो हम यहाँ से इसे रिमूव कर सकते हैं, ऊपर करेंगे, ठीक है, फिर से हमारा डेटा नॉर्मल हो जाएगा, या फिर हमें ऑल क्लियर करना है, ठीक है, हमने इसमें बहुत सारी फॉर्मेटिंग कर दी है। अगर हमें इसे ऑल क्लियर करना है तो यहाँ से हम जाएंगे एनालाइज में, ठीक है, एनालाइज ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर आपको क्लियर में जाना है, ऑल क्लियर आपको कर देना है। जैसे आप ऑल क्लियर करेंगे यहाँ पर आपका पूरा डेटा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर हमने अपना डेटा क्वांटिटी के बेस पे और स्टेट के बेस पे और प्रोडक्ट के बेस पे यहाँ पर फिल्टर करना है, ठीक है, यहाँ पर अपना डेटा मैनेज करना है और उसमें फॉर्मेटिंग करनी है, ठीक है, ये हमसे बोला गया है, तो हम कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम उठाएंगे स्टेट को, स्टेट को हम कर देंगे फिल्टर में, और यहाँ पर सेल को उठाएंगे और इसमें कर देंगे वैल्यू में, और यहाँ पर क्वांटिटी को उठाएंगे, इसे कर देंगे रो में, और यहाँ पर हम कर देंगे प्रोडक्ट को कर देंगे रो में फिर से, ठीक है, कुछ इस टाइप से करेंगे। तो यहाँ पर आप नोट डाउन कीजिए, हमारा डेटा प्रॉपर तरीके से यहाँ पर क्वांटिटी के बेस पर आ जाएगा, ठीक है। अगर हम चाहते हैं किस एम्प्लॉय ने कितनी सेल कर रखी है, ठीक है, और किस एम्प्लॉय ने कितनी क्वांटिटी सोल्ड कर रखी है, ठीक है, तो हम यहाँ पर प्रोडक्ट को हटा देंगे, प्रोडक्ट को मैंने हटा दिया और यहाँ पर सेल्समैन मैं सिलेक्ट करके रो में डाल देता हूँ। तो यहाँ पर आप नोट डाउन कीजिए, ठीक है, अमन ने जो क्वांटिटी सोल्ड करके 13 कर रखी है, अंकित ने 38 कर रखी है, अब इनने क्या कर रखा है सोल्ड, ठीक है, ये भी हमें देखना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम प्रोडक्ट को उठा देंगे, ठीक है, प्रोडक्ट को उठा के हम डाल देंगे रो में, ठीक है। तो जैसे मैं रो में डालूंगा, ठीक है, तो सबसे मैं क्या करूंगा, इसे नीचे डाल देता हूँ रो में। अब यहाँ पर आप नोट डाउन कीजिए, ठीक है, अमन ने जो कंप्यूटर सेल कर रखे हैं 13 कर रखे हैं, अंकित ने मॉनिटर कर रखे हैं और अरुण ने
ट्राउजर कर रखे हैं, ठीक है। कुछ इस टाइप का हमारा डेटा यहाँ पर फिल्टर हो रहा है, लेकिन हम चाहते हैं इसे प्रॉपर तरीके से और फिल्टर करें और क्लियर ही करें, ताकि हमें इजिली समझ में आ जाए। और जिसे हमें ये डेटा भेजना है, मान लीजिए कि अगर हमें ये डेटा किसी को भेजना है तो उसे क्लियरली समझ में आए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम जाएंगे डिजाइन में और यहाँ पर से हम सब टोटल में जाएंगे। फर्स्ट ऑप्शन हमें सब टोटल मिलता है, इसमें जाएंगे और यहाँ पर कर देंगे डू नॉट सब टोटल्स। तो जैसे हम डू नॉट सब टोटल करेंगे, तो यहाँ पर हम नोट डाउन कीजिए, केवल यहाँ पर कंप्यूटर की सेल हमें देखने को मिल जाएगी मॉनिटर की। अगर मान लीजिए कि हमें और प्रॉपर तरीके से करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर रिपोर्ट लेआउट में जाएंगे और यहाँ पर हम कर देंगे आउटलाइन फॉर्म्स। जैसे हम आउटलाइन फॉर्म करेंगे, तो यहाँ पर हम नोट डाउन कीजिए, हमारा डेटा कुछ प्रॉपर तरीके से मैनेज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमें क्वांटिटी देखने को मिल जाएगी, प्रोडक्ट सम ऑफ सेल्स देखने को मिल जाएगी। अब हम चाहते हैं इसका जो सब टोटल है, इसे हमें नीचे देखना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सब टोटल में जाएंगे और यहाँ पर कर देंगे सो ऑल सब टोटल एट अ बॉटम ऑफ ग्रुप, इसमें कर देंगे। तो यहाँ पर आप नोट डाउन कीजिए, जिसने भी जितनी क्वांटिटी सोल्ड की होगी, इसके बॉटम में हमें देखने को मिल जाएगी। अमन की जो क्वांटिटी होगी, इतनी हमें देखने को मिल जाएगी, ठीक है। कुछ इस टाइप का देखने डेटा हमें देखने को मिल जाएगा। मैं इसे कर लेता हूँ जूम आउट, तो कुछ इस टाइप का हमारा डेटा हमें देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि इसमें हमें एक प्रॉपर तरीके से फॉर्मेटिंग वगैरह करना है, ठीक है, तो हम इसमें कैसे करेंगे, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इसे और प्रॉपर तरीके से डेटा को मैनेज कर लूंगा। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, रिपोर्ट लेआउट में जाऊंगा और यहाँ पर कर दूंगा शो इन टेबुलर फॉर्म। तो जैसे मैं इसमें करूंगा, तो यहाँ पर आप नोट डाउन कीजिए, हमारा डेटा कुछ प्रॉपर तरीके से मैनेज हो जाएगा, ठीक है, जिसमें आप देखेंगे हमारा जो डेटा है एकदम क्लोज टाइप से मैनेज हो चुका है। लेकिन हम चाहते हैं यहाँ पर सब टोटल हमें नहीं दिखाई दे, लेकिन हम डू नॉट सब टोटल यहाँ से कर देंगे। अब देखिए जो हमारा डेटा है, इजिली हमने इसे मैनेज कर लिया है, ठीक है। जैसे सुमित है, उसकी हमें पैंट इतनी शर्ट इतनी उसने सेल करके हमें देखने को मिल जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि इसमें हम एक फॉर्मेटिंग करके दे, तो इसमें हम क्लिक करेंगे इस टेबल में, और इसके बाद हम जाएंगे यहाँ पर पायो टेबल स्टाइल में, और यहाँ पर से एक पायो टेबल का स्टाइल हम ले लेंगे, ठीक है, कुछ इस टाइप का। अगर हमें इसमें ऑल बॉर्डर करना है, तो हम इसमें ऑल बॉर्डर भी कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे होम टैब में, कंट्रोल ए से मैं पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर कर दूंगा ऑल बॉर्डर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कुछ प्रॉपर तरीके से हमारा डेटा मैनेज हो जाएगा। तो हम चाहते हैं इस पूरे डेटा को हमें क्लियर करना है एक बारी में, तो हम इसे क्लियर कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस डेटा में क्लिक करेंगे, ठीक है, कहीं पर भी, ठीक है, जो हमने यहाँ पर पायो टेबल लगाया है, इसमें क्लिक करेंगे, हम जाएंगे एनालाइज में और यहाँ पर जाएंगे क्लियर में, ऑल क्लियर कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा पूरा डेटा जो हमने फिल्टर किया था, वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपने देखा होगा कि जब कभी भी हम अपने डेटा को फिल्टर करते हैं, तो हमसे बोला जाता है कि हमें उसे परसेंट में दिखाना है, ठीक है, हमारी जो सेल होती है, जैसे कंप्यूटर की सेल है, उसकी कितनी परसेंट सेल हुई है। तो हम इस टाइप का डेटा कैसे मैनेज करेंगे पायो टेबल में, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सेल को उठा के, ठीक है, वैल्यू में डाल देता हूँ और यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर देता हूँ डिपार्टमेंट को, डिपार्टमेंट को कर देता हूँ रो में, ठीक है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, डिपार्टमेंट को उठाऊंगा रो फिल्टर में डाल देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं प्रोडक्ट को उठा देता हूँ और यहाँ पर कर देता हूँ रो में। तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर हमारी कंप्यूटर की जो सेल है कितनी परसेंट हुई है। अगर हमें ये निकालना है, यहाँ पर हम जाएंगे इस सम ऑफ सेल्स में, ठीक है, कंप्यूटर की सेल में चले जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे और इसके बाद जाएंगे हम शो वैल्यू एज में, और यहाँ पर हम जाएंगे परसेंट ऑफ ग्रांड टोटल में, इसमें हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप नोट डाउन कीजिए, जो कंप्यूटर की जो सेल है परसेंट में 14.63% है, ठीक है, कुछ इस टाइप का हमारा डेटा देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप नोट डाउन कीजिए, ग्रांड टोटल जो है हमारा 100% है और कंप्यूटर की सेल जो है हमारी 14% के करीब है। अब हम चाहते हैं कि हमारा जो कंप्यूटर का सेल है, वो हमारे एक्चुअल सेल भी हमें देखने को मिले, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो यहाँ पर सम ऑफ सेल्स है, इसमें हम क्या करेंगे, सेल को उठाएंगे फिर से इसमें डाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप नोट डाउन कीजिए, जो हमारी सम ऑफ सेल है कंप्यूटर की, ठीक है, वो हमें देखने को मिल जाएगी और यहाँ पर परसेंट वैल्यू भी हमें देखने को मिल जाएगी। कुछ इस टाइप से हम अपने डेटा को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। अगर मुझे इसे क्लियर करना है, ठीक है, तो यहाँ पर से मैं इसे हटा दूंगा, ऊपर कर लेता हूँ, इसे भी हटा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमें एक बार चेक करना है कि हमारी सेल
कितनी हुई है प्रोडक्ट की, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम डिपार्टमेंट को उठा के कॉलम में डाल देंगे और सेल को उठा के हम यहाँ पर वैल्यू में डाल देंगे। तो यहाँ पर आप नोट डाउन कीजिए, हमारा डेटा कुछ इस टाइप का हमें देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। बैग की सेल ये देखने को मिल जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक की सेल देखने को मिल जाएगी और गारमेंट की सेल देखने को मिल जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर ग्रांड टोटल हमें देखने को मिल जाएगी कंप्यूटर की और यहाँ पर हेडफोन की, ठीक है। बैग का जो डेटा है बैग के डिपार्टमेंट में देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक का इलेक्ट्रॉनिक में, गारमेंट का गारमेंट में। अब हम यहाँ पर चाहते हैं जो खाली स्पेस है, ठीक है, जैसे कंप्यूटर में, कंप्यूटर तो बैग में आएगा नहीं, ठीक है, और गारमेंट में भी नहीं आएगा, ठीक है। हेडफोन तो बैग में नहीं आएगा, गारमेंट में नहीं आएगा, पर जींस है, जींस तो इलेक्ट्रॉनिक में नहीं आएगा। जो भी खाली स्पेस है उसमें हम कुछ फिलअप करें, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस खाली स्पेस में क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर जाएंगे पायो टेबल ऑप्शन में, और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा फॉर इम्पटी सेल शो। तो यहाँ पर हम क्या शो करेंगे, हम उसे शो कर सकते हैं, पहला तो हम एन स्लैश ए, एन ए मीन्स खाली, ठीक है, एन स्लैश ए कर देंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। तो जहां पर हमारा खाली स्पेस होगा, ठीक है, वो एन एन ए देखने को मिल जाएगा, मतलब खाली, ठीक है। इसको हम सिलेक्ट करेंगे करेंगे उसके बाद जाएंगे होम टैब में और इसे कर देंगे सेंटर में। तो ये हमारा डेटा कुछ इस टाइप का हमें देखने को मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम चाहते हैं, ठीक है, एन ए की जगह हमें जीरो करना है, तो हम क्या करेंगे, फिर से इसमें जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, पायोट टेबल ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पर से एन ए को कर देंगे डिलीट, और यहाँ पर हम 00 कर देंगे और कर देंगे एंटर। तो यहाँ पर आप नोट डाउन कीजिए, जहां पर हमारी क्वांटिटी नहीं है, ठीक है, जहां पर हमारी सेल नहीं है, तो यहाँ पर हमें जीरो देखने को मिल जाएगा। कुछ इस टाइप से भी हम अपने डेटा को मैनेज कर सकते हैं, केवल हम वैल्यू दिखाएंगे और जहां पर हमारी सेल वगैरह नहीं है वहां पर हम जीरो यहाँ पर दिखा सकते हैं। तो पायो टेबल का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है एक्सेल में। अब चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की ओर, तो यहाँ पर मैं जाऊंगा एनालाइज में और यहाँ पर से कर देता हूँ क्लियर ऑल, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा पूरा डेटा क्लियर ऑल हो चुका है। पायो चार्ट अगर आपको नहीं आता है तो हम पायो चार्ट भी सीखने वाले हैं। तो पायो चार्ट को कैसे अप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सेल को उठा के वैल्यू में डाल देता हूँ, तो यहाँ पर मैं प्रोडक्ट को उठा के रो में डाल दूंगा और यहाँ पर हमारी कुछ इस टाइप की सेल हमें देखने को मिल जाएगी, ठीक है। इस टाइप का हमारा डेटा हो जाएगा, इसको मैं हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमें एक ऑप्शन देखने को मिलता है पायो चार्ट, इसमें हम क्लिक कर देंगे और यहाँ पर हमें बहुत सारे चार्ट देखने को मिल जाता है। जो भी हमें चार्ट यहाँ पर से लेना होगा हम वो चार्ट यहाँ से ले सकते हैं। तो ये वाला चार्ट मैं ले लेता हूँ, ठीक है, कुछ इस टाइप का, और चार्ट लेने के बाद मैं कर देता हूँ ओके। तो जैसे मैं ओके करूंगा तो यहाँ पर आप नोट डाउन कीजिए कि हमारा एक पायो चार्ट हमें देखने को मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन हम इसमें अपने डेटा को इजीली मैनेज भी कर सकते हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम स्टेट उठाएंगे, ठीक है, स्टेट उठाएंगे और कर देंगे फिल्टर में। तो यहाँ पर आप नोट डाउन कीजिए, ठीक है, जैसे इस चार्ट में हम क्लिक करते हैं उसके बाद हम जाएंगे यहाँ पर डिजाइन टैब में और यहाँ से एक चार्ट का डिजाइन हम ले लेंगे, जो भी हमें डिजाइन अच्छा लगता होगा, ठीक है, जो भी हमें ठीक लगेगा वो हम यहाँ से डिजाइन ले लेंगे। तो मुझे ये वाला डिजाइन ठीक लग रहा है, मैंने ये ले लिया। अब इसमें कलर करना है तो यहाँ से मैं कलर भी कर सकता हूँ, तो यहाँ से मैं एक कलर ले लेता हूँ, तो यहाँ से मैंने ये वाला कलर ले लिया और इसका एक बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ से ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये वाला मैंने बैकग्राउंड कलर ले लिया है। तो यहाँ पर आप नोट डाउन कीजिए, हमारा डेटा कुछ इस टाइप का देखने को मिल जाएगा। अगर हमें चार्ट के विहाप पे यहाँ पर डेटा को फिल्टर करना है, तो यहाँ से हम स्टेट में जाएंगे, दिल्ली से दिल्ली स्टेट ले लेंगे और ओके कर देंगे। तो यहाँ पर हमें दिल्ली का चार्ट देखने को मिल जाएगा। कीबोर्ड की यहाँ पर सेल बढ़ रही है, लैपटॉप की घट रही है, मॉनिटर की भी घट रही है और ब्राउजर की बढ़ रही है, ठीक है। तो यहाँ से मैं अगर हटा देता हूँ पंजाब, सिलेक्ट कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ, तो यहाँ पर पंजाब में हेडफोन की सेल बढ़ रही है, पैंट की सेल गिर रही है। तो कुछ इस टाइप से हम अपने डेटा को मैनेज कर सकते हैं। अगर हमें इसे डिलीट करना है तो यहाँ से हम कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस करेंगे, चार्ट हमारा डिलीट हो जाएगा। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर एक्सेल में, यहाँ पर से मैं फिल्टर में जाऊंगा, ऑल सेलेक्ट कर लेता हूँ स्टेट को, ओके कर दूंगा, तो यहाँ पर सभी स्टेट की सेल हमें देखने को मिल जाएगी। तो फ्रेंड यहाँ पर हम एक्सेल में एक पावर पॉइंट में एक चीज और होती है स्लाइसर, ठीक है। तो स्लाइसर का भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है एक्सेल में और खासकर यहाँ पर पावर पॉइंट में। तो यहाँ पर हम जाएंगे एनालाइज टैब में और यहाँ पर हमें इंसर्ट स्लाइसर देखने को मिल जाता है, इसमें हम क्लिक करेंगे और यहाँ से हम डिपार्टमेंट और स्टेट दोनों को सिलेक्ट कर देंगे, ओके कर देंगे। तो यहाँ पर आप देखिए हमें दो स्लाइसर देखने को मिल जाएंगे। इस टाइप से मैं अपने डेटा को फिल्टर कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। तो मैं अगर बैक करता हूँ तो यहाँ पर आप देखिए बैक गुजरात और हरियाणा में है और इसी सेल देखने को मिल जाएगी। और अगर इलेक्ट्रॉनिक करना है, इलेक्ट्रॉनिक सिलेक्ट करूंगा तो इलेक्ट्रॉनिक जैसे कंप्यूटर
कंप्यूटर, हेडफोन, इन सभी की सेल देखने को मिल जाएगी। कौन कौन से स्टेट में है ये भी हमें स्टेट देखने को मिल जाएंगे, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश। ठीक है, आप जैसे मैं गारमेंट में क्लिक करता हूँ तो गारमेंट में हमें जीन्स पैंट, टी शर्ट, ट्राउजर की सेल देखने को मिल जाएगी, ग्रांड टोटल भी हमें देखने को मिल जाएगा। अगर मान लीजिए कि हमें स्टेट के बिहाफ पे करना है तो यहाँ से हम स्टेट के बिहाफ पे मीट कर सकते हैं। जैसे मैंने चेन्नई सेलेक्ट किया, चेन्नई में जीन्स और दिल्ली में दिल्ली का देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर से मैं क्या करता हूँ, इसको कर देता हूँ फिल्टर क्लियर और इसको भी क्लियर कर देता हूँ। अब चेन्नई में जाऊंगा, चेन्नई की सेल, उत्तर प्रदेश में जाऊंगा, उत्तर प्रदेश की, जैसे कि कंप्यूटर और शर्ट्स, और यहाँ पर पंजाब की सेल देखने को मिल जाएगी, गुजरात में गुजरात, जैसे जीन्स, स्कूल बैग और शर्ट्स की सेल देखने को मिल जाएगी। अगर हमें इसे डिलीट करना है तो इसमें क्लिक करना है और कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस कर देना है। ठीक है, ये डिलीट हो जाएगा। और यहाँ पर स्टेट को डिलीट करना है तो इसे भी हम कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस करेंगे, ये डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम एक्सेल में कुछ इस टाइप से पायो टेबल का यूज करते हैं, और पायो टेबल जो है एक्सेल का मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल है। तो आज की इस वीडियो में हमने कंप्लीट पायो टेबल सीख लिया है। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में।